हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के हरसुवार गांव में बीते 5 दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण में विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जले हुए ट्रांसफार्मर के नजदीक खड़े रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय युवा नेता प्रजापति झा, सोनू कुमार झा, माधव झा, उदय झा, शिबू झा, ललन झा, कामदेव झा, बद्री ठाकुर, सुनील ठाकुर, विश्वनाथ राउत, विशेश्वर झा, रीतुनाथ झा, रेवरी देवी व किरण देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण ने बताया कि 5 दिन पूर्व जर्जर केबल पिघलकर 11 केवी तार पर गिर गया, जिसमें गांव के सैकड़ों घरों में हाई वोल्टेज सप्लाई हो गया। हाई वोल्टेज की चपेट में आने से दर्जनों लोगों के LCD फ्रिज, पंखा व मोटर सहित लाखों की बिजली उपकरण जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि उसी समय जोरदार आवाज के साथ ट्रांसफार्मर भी जल गया। स्थानीय लाइनमैन के द्वारा ट्रांसफार्मर की जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेज दिया गया, लेकिन 5 दिन बीतने के बावजूद ट्रांसफार्मर बदलने की दिशा में कोई भी पहल करते नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में JE को फोन करने पर उनका फोन व्यस्त मोड पर आता है, किसी भी आम उपभोक्ता के फोन से JE को फोन नहीं लगता है। ग्रामीणों ने शीघ्र समस्या का निदान नहीं होने पर बिजली कार्यालय के घेराव कर चेतावनी दी है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता रमन कुमार ने बताया कि समस्या के निदान की दिशा में पहल की जा रही है, शीघ्र समस्या का निदान किया जाएगा। जर्जर केबल बदलो, ट्रांसफार्मर जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलो, बिजली में आओ, जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलो। जी बताइए तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो गत 2-3 दिन पहले ये ट्रांसफार्मर जर गया बिजली विभाग के लापरवाही से, क्योंकि बिजली विभाग का जो केबल है सो जर्जर हो चुका है। इसके बारे में ग्रामीण और बहुत लोग बहुत स्तर से लिख के दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज इस लाखों की क्षति हुई है। और यहाँ इसके चलते लाखों की क्षति, ग्रामीण के लाखों की क्षति हुई है, जो बिजली विभाग को भरपाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पैसा दे के बिजली लेते हैं, तो जो क्षति हुई बिजली विभाग को भरपाई करना चाहिए। हम मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिजली विभाग जल्द से जल्द यह केबल चेंज करे, और जो हरसुवार गांव में क्षति हुआ है उसका भरपाई करे बिजली विभाग। और अभी 3 दिन से बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है, जिसके चलते लोग को मानसिक प्रताड़ना हो रहा है। और इस संबंध में शिकायत हुआ है JE से? JE बार बार शिकायत कर, JE बार बार फोन लगाते हैं लेकिन फोन नहीं उठाता है। JE कभी किसी का फोन नहीं उठाता है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं बिजली विभाग से कि JE को अविलंब सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये आम आदमी का यदि नहीं समझ रहा, कभी भी फोन लगाइए, इसका फोन हर हमेशा बिजी आता रहता है। यहाँ जर्जर बिजली की तार के चलते ट्रांसफार्मर जल चुका है, जिसके चलते हाई वोल्टेज के चलते कई घरों में आग लग चुका है। कई घरों की बिजली की जो सामान है वह नष्ट हो चुका है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो यहाँ की जो कार्यपालक अभियंता कनी अभियंता है, जिसे जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर करके हटाया जाए तथा इस गांव में बिजली निर्बाध रूप से बहाल किया जाए। लोग इस बिजली के चलते डरे तथा सहमे हुए हैं, जो कब किसको अनहोनी हो जाए, किसके घरों में क्या अनहोनी हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हुआ है बाबा, बिजली का पोल जल गया घर में। हाँ, क्या हुआ? आग लग गया। अच्छा, क्या सब नुकसान हुआ है? बहुत क्षति हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव झा, हर्षवार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।